हेलो, वेलकम टू क्राफ्ट बाय स्वाति। वी आर हेयर विद सम न्यू आइडियाज। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू मेक, वी आर गोइंग टू मेक वेजिटेबल पपेट्स। दिस इज अ क्यूट वेजिटेबल पपेट। This is green chili vegetable. This is brinjal and this is green chili. They want to say eat healthy, stay fit. So these are our vegetables puppet. Hello Sukriti. हेलो समायरा, कैसे हो आप? ओके, फॉर दिस वी नीड 1 A4 शीट, ग्लू, सीजर एंड 1 स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड फ्यू कलर्स। You can use sketch colors, you can use pencil color, you can use crayons, any color you can use. Okay? So let some people join me. Hello Preeti, hello Daksh, hello Shreyasi. हमें कुछ लोग join कर लें तो हम अपना craft start कर लेंगे। तब तक आप लोग सब अपना material arrange कर लो। Hello Isha, hello Anya, hello Tanish. आप लोग सब अपना सामान अरेंज कर लो, फिर हम एक फटाफट से क्राफ्ट रेडी कर लेंगे। दिस इज ब्रिंजल एंड ग्रीन चिली वेजिटेबल। आप कोई भी वेजिटेबल बना सकते हैं। दीज वेजिटेबल्स आर सेइंग स्टार्ट ईटिंग अस, स्टॉप ईटिंग जंक फूड, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड। ओके, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। Okay, I think we must start. Okay, first of all, take A4 sheet, एक A4 sheet ले लीजिए और उस पर हम सबसे पहले, hello Puneet, Anya, okay, सबसे पहले हमें एक A4 sheet लेंगे और उस पर हम brinjal draw करेंगे। Let's see हमें brinjal कैसे draw करना है और हमें green chili भी कैसे draw करनी है। मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ करके रखा है। इट्स वेरी इजी। ब्रिंजल ड्रॉ करने में कुछ भी नहीं होता, जस्ट मेक अ ओवल शेप। एक ओवल शेप बना लीजिए। नो जंक फूड इन लॉकडाउन। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नो जंक फूड इन लॉकडाउन एंड इवन आफ्टर लॉकडाउन। अब हेल्दी खाने की थोड़ी सी आदत डाल लें। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। सो ये मैं एक ओवल शेप दे रही हूँ, ये मैंने एक ओवल शेप दे दी है। एक ओवल शेप दे दीजिए। एक ओवल शेप देने के बाद हम इसके ऊपर इसका क्राउन बनाएंगे, 1। फिर हम एक वी बनाएंगे और ये बन गया हमारा क्राउन। आफ्टर मेकिंग दिस क्राउन ये हमने छोटी सी स्टेम बना दी। ब्रिंजल, एक ब्रिंजल ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एन ओवल शेप, एक ओवल शेप ड्रॉ कीजिए, क्राउन बनाइए ब्रिंजल का और एक स्टेम बना दीजिए ब्रिंजल के। ओके, पहले इतना ड्रॉ कर लीजिए एक A4 शीट पे। इतना करने के बाद नाउ वी विल ड्रॉ ग्रीन चिली।
इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ समथिंग एल्स टमेटो और एनी थिंग यू कैन ड्रॉ अ सर्कल एंड मेक अ क्राउन. आपका टमेटो रेडी हो जाएगा. यू कैन ड्रॉ एनी थिंग. ये हम ग्रीन चिली ड्रॉ कर रहे हैं. ग्रीन चिली कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? स्मॉल सी, फ्रिक सी, फिर एक बड़ा सा सी बना दिया. नाउ सेम फ्रॉम दिस साइड. ये हो गई हमारी ग्रीन चिली की शेप. सेम ग्रीन चिली के ऊपर भी हम एक क्राउन ड्रॉ करेंगे. ओके इतना ड्रॉ कर लो. देन आई विल टेल यू अबाउट नेक्स्ट स्टेप. व्हेन यू आर फिनिश विद ड्रॉइंग डू मैसेज मी डन सो दैट वी कैन मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप. फाइन फास्ट फास्ट इतना ड्रॉ कर लो. हेलो कोमल, हाउ आर यू? डन लंदन, गुड गुड निखिल, आई एम प्राउड ऑफ यू. अब सबसे पहले एक ब्रिंजल का शेप ड्रॉ कीजिए. गुड सौम्या, उसको क्राउन पहना दीजिए. ओके नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फेस एक्सप्रेशंस ऑफ दिस. हेलो मनिका, हेलो दीदी, कैसे हो? ओके आफ्टर मेकिंग द शेप ऑफ द ब्रिंजल हम लोग इसको आईज के एक्सप्रेशंस देंगे. ब्रिंजल की आईज हम कैसे ड्रॉ करेंगे? थोड़ी सी बड़ी बड़ी लाइक दिस. दीज आर द आईज ऑफ ब्रिंजल. और ये हमने अंदर से थोड़ी सी ब्लैक कर दी. बाकी हम इसको पोर्शन वाइट रहने देंगे. We have to outline with sketch pen. No, it's not compulsory. I'm using sketch pen because aap logo ko easily visible ho jaye. It's not compulsory to use outline with sketch pens. Ye ho gayi hamari brinjal ki eyes. Now, after making these eyes, we will make nose of the brinjal. ये हो गई हमारी एक ट्रायंगल सी पतली सी ब्रिंजल की नोज. ओके After doing this, we will make the lips of the brinjal. ये हमने lips कैसे बनाए? Three की shape देके, उल्टा three बना के हमने ये lips का shape दे दिया. Lips का shape देने के बाद lip को हम color कर लेंगे. Color the shape of the lips. You can use pink color or red color. Red color looks bright. That's why I'm using red color. If you want to use sketch pen, crayons, you can use any color. ये okay. मेरे lips भी done. Lips of the brinjal are also ready. इतना कर लो. After doing this, हम इसके crown पे green color करेंगे. We will use green color for the crown. I'm using light green color for the crown. You can use dark green as well. इसके crown में और stem में
हम ग्रीन कलर कर देंगे। इसके क्राउन में ग्रीन कलर कर लीजिए। Which looks better? Obviously, light green will look better because हम इसके crown में भी light green करेंगे और हम यहाँ पे dark green देंगे। So इससे हमारा because of green chili, I am using light green here because on this crown I will also use light green on the crown and dark green on the green chili. But it's totally your choice. तो ये मेरे क्राउन का कलर कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर कंप्लीटिंग द कलर ऑफ द क्राउन वी विल यूज पर्पल कलर और हम बोल सकते हैं बैंगनी कलर ऑन दिस ब्रिंजल। You can use dark blue color if you don't have purple color. See, मैंने यहाँ पे dark blue किया है और यहाँ पे मैं proper बैंगनी color use कर रही हूँ, purple color. एक्सेप्ट आइज नोज एंड लिप्स, अपने ब्रिंजल को फिल कर लें विद कलर। Fill this brinjal except eyes, nose and lips. Okay, like this, fill it completely. Now, this is brinjal. My brinjal is ready, but right now it's not ready to talk. We will talk in some time.
fill the brinjal with color. जो भी चाहिए पापा हम दे, पापा दे देंगे। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ब्रिंजल, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द ग्रीन चिली। अब ग्रीन चिली की हमें आइज ड्रॉ करनी है। ग्रीन चिली की हम सर्कल में आइज ड्रॉ करें। मैंने सर्कल में फिल कर दिया, बस मैंने बीच में थोड़ा सा सर्कल वाइट रहने दिया। लाइक दिस। नाउ आई विल मेक नोज ऑफ ग्रीन चिली विद ओके विद येलो कलर। Same triangular nose with yellow color, and we will draw lips of green chili with red color. Now the crown of green chili with light green. Just coloring, kids enjoy coloring. Ask them to color themselves. Mamas, please don't help them in coloring. They can do it well. Okay. मैंने ग्रीन चिली का क्राउन लाइट ग्रीन कलर से क्रिएट किया है और अब मैं बाकी बॉडी ग्रीन चिली की डार्क ग्रीन कलर से फिल करने वाली हूँ। फिल द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ग्रीन चिली विथ डार्क ग्रीन कलर। Just build basic simple drawings. I hope इसमें किसी को कोई भी अब तक confusion नहीं रहा होगा, कोई problem create नहीं होगी। We are making puppets of vegetables to give message. Eat healthy, stay fit. Fill the rest of green chili with dark green color. Like this. Come, show. He want to show you something. Brinjal dikhaun. Brinjal? He want to show brinjal? Oh, good.
ओके फिल द ग्रीन कलर आई होप सबका फिल हो गया होगा वेन यू आर डन विद कलरिंग डू मैसेज मी डन गुड आफ्टर दिस कलरिंग आई थिंक सबका कंप्लीट हो गया होगा ये कलरिंग और यू वॉन्ट मी टू वेट इज नथिंग इन दोनों के कटआउट रेडी कर लीजिए गुड कटआउट रेडी कर लीजिए ब्रिंजल का और ग्रीन चिली का ये हम ब्रिंजल का कटआउट रेडी कर रहे हैं हमारा ब्रिंजल का कटआउट रेडी होने वाला है वेट आई एम वेटिंग ओके कटआउट रेडी करने के बाद वी विल वेट फॉर सम टाइम लेट अदर्स कंप्लीट टिल कलरिंग एंड कटआउट्स बिकॉज नेक्स्ट स्टेप इज इम्पॉर्टेंट स्टेप मेरा ब्रिंजल का कटआउट रेडी हो गया है और अब मुझे ग्रीन चिली का कटआउट रेडी करना है और ये मेरा ग्रीन चिली का भी कटआउट रेडी हो रहा है तो ये मेरा ग्रीन चिली का और ये मेरा ब्रिंजल का कटआउट दोनों रेडी हैं आप लोग भी अपने फटाफट कटआउट्स रेडी कर लीजिए ब्रिंजल का भी और ग्रीन चिली का भी कटआउट्स रेडी कर लीजिए अपने So are you ready with these cutouts? Should I move on? Done. Good. Sukriti? Done. Should I move on? Okay. After making these cutouts ready, हमें इसके smile.
फेस इज नीडी। ओके, अब हमें जो इसका जो लिप्स हैं इसका हमें सेंटर लेना है। वी नीड टू टेक सेंटर ऑफ द लिप्स। आई थिंक इट्स फाइन कोमल। और हमने ये इसके लिप्स को सेंटर से कट कर दिया। ये हमने सेंटर से लिप्स कट कर दिए ग्रीन चिली के। कट ग्रीन चिली इन टू पार्ट्स। और ये हमने ग्रीन चिली को दो पार्ट्स में कट कर दिया है। इसकी हमने लिप्स को कट कर दिया है। कीप इट असाइड। डू इट सेम विद द ब्रिंजल। हम उसके लिप्स का सेंटर लेंगे। विल टेक द सेंटर ऑफ द लिप्स एंड वी विल कट द सेंटर ऑफ लिप्स एंड वी विल मेक टू पार्ट्स ऑफ दिस ब्रिंजल। हमने ब्रिंजल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। नाउ कीप इट असाइड। नाउ इट्स टर्न फॉर यूजिंग व्हाट कार्डबोर्ड। Now we need to use cardboard, a thin cardboard. We don't need a thick cardboard. Thin cardboard आप कुछ भी ले सकते हैं, like कुछ कार्ड का कवर हो आपके पास, और ये मेरे पास जैसे किसी गारमेंट में यूज़ होने वाले ड्रेस का कोई बॉक्स पड़ा था उसका कार्डबोर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ। उसमें से हमें दो पीसेस चाहिए। We just need टू स्मॉल पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड इन रेक्टेंगुलर शेप। आप पहले कट कर लीजिए, मैं आपको इसका एग्जैक्ट शेप देना बताऊंगी। डन, गुड। आफ्टर टेकिंग दीज टू कार्डबोर्ड्स, ये मेरा ऑलमोस्ट माई साइज इज, आई विल टेल यू, my card is almost 11 centimeter. Fine, आप इसे थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं। और अब इस कार्ड को हमें पहले टू पार्ट्स में 11 centimeter. प्रीति, दिस इज 11 centimeter. When my brinjal is around, my brinjal is 13 centimeter. मैंने उसके ऊपर स्टेम को नहीं किया और मैंने कार्ड लिया है 11 सेंटीमीटर का। ओके, आफ्टर टेकिंग दिस कार्ड मैंने इसको फोल्ड कर लिया है इन टू पीसेस। ये मैंने फोल्ड कर लिया है, वन टू। ये मैंने टू पीस में इसको हाफ में मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। और मैं इसका ये एक ऊपर से और फोल्ड कर लूँगी बैकवर्ड। ये मैंने फोल्ड किया, अब मैं ये ऊपर वाले पोर्शन को आई विल फोल्ड बैकवर्ड और नीचे वाले पोर्शन को भी मैं बैकवर्ड फोल्ड कर दूँगी लाइक दिस। वन टू थ्री फोर, पहले सेंटर में फोल्ड किया है, फिर मैंने बैकवर्ड में फोल्ड किया है। बैकवर्ड में इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप उसको हाफ फोल्ड करें, आप थोड़ा सा भी फोल्ड कर सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट हिज माउथ टू ओपन बिग, अगर आप चाहते हैं उसका मुंह थोड़ा सा बड़ा खुले, तो आप, अगर आपका ब्रिंजल बड़ा है तो आप ये ऊपर के पोर्शन छोटे रखें, और अगर आपका ब्रिंजल का साइज आपने छोटा ड्रॉ किया है तो ये हम ऊपर के पोर्शन को थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड कर देंगे। ओके, अगर आपका कार्डबोर्ड वाइट है लाइक माइन, साफ सुथरा है, तो हम इसी पे ड्राइंग करेंगे। और एल्स मैं आपको बता देती हूँ, हमें वाइट A4 शीट लेनी पड़ेगी और हमें उसको इस पे पेस्ट करना पड़ेगा टू गिव अ नीट लुक। ओके, मैं आपको पेस्ट ही कर देती हूँ बिकॉज ज़रूरी नहीं है सबके पास बहुत नीट कार्डबोर्ड हो। हम इस कार्डबोर्ड पे एक वाइट A4 शीट पेस्ट कर देते हैं टू गिव इट अ नीट लुक। बिकॉज कुछ के पास कलरफुल कार्डबोर्ड होगा, कुछ के पास थोड़ा सा डर्टी होगा, सो आई नीड टू पेस्ट
this white sheet on the cardboard. Where is my glue? My son has taken my glue. मैं कार्डबोर्ड पे वाइट शीट को पेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज ज़रूरी नहीं है सबका कार्डबोर्ड साफ़ सुथरा हो, वाइट कलर का हो। कार्डबोर्ड पे ग्लू लगा रही हूँ और ये मैंने इसको वाइट A4 शीट से कवर कर लिया है और ये वही सेम फोल्ड्स, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारा कुछ भी डर्टी लुक दे। ओके फाइन, इतना फोल्ड हो गया सबका। Should I move on? After doing this, ये जो हमारा एक तो अपर साइड है, एक हमारी लोअर साइड है। लोअर साइड में जो हमारा बड़ा वाला पोर्शन है, इस पर हमें एक टंग ड्रॉ करनी है एंड दैट इज इन द यू शेप। आई विल शो यू ये हमने कैसे एक टंग ड्रॉ किया, लाइक दिस। ये हम टंग को ड्रॉ करके इस पर फिल कर लेंगे इसको। वी विल कलर दिस टंग विद रेड कलर। मैंने इसकी टंग को रेड कलर से फिल करना स्टार्ट कर दिया है। इसकी टंग को फिल कर लीजिए लोअर साइड पे विद रेड कलर। लोअर साइड जो हमारी अंदर रहेगी बंद होने वाली, लाइक दिस। लोअर साइड की टंग है, इसको मैंने रेड कलर से फिल कर दिया है। और इस टंग पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर से सेंटर में एक लाइन दे दी है टू जस्ट गिव इफेक्ट। कैन यू सी, मैंने ब्लैक कलर से लाइन दे दी। अब इतना कर लीजिए, उसके बाद व्हाट वी नीड टू डू इज हम ग्लू लेंगे और ग्लू को हम ये अपर पोर्शन पे लगाएंगे। We will use glue on this upper portion. This upper portion will use glue. हम यहाँ पे glue use करेंगे और हम ये अपना brinjal लेके इसके lips को यहाँ पे paste कर देंगे. Like this. Paste. Like this. ये हमारा अपर पोर्शन पेस्ट हो गया। सेम हम ये वाला नीचे का पोर्शन लेंगे, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट दिस पोर्शन हियर लाइक दिस। इसको बंद कर लीजिए और लिप्स की आप सीक्वेंस देख लीजिए, उसका साइज देख लीजिए, उसको प्रॉपर उसकी पोजीशन देख लीजिए, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर दीजिए।
ये मैंने रिंजल के लिप्स को प्रॉपर शेप देते हुए इसको पेस्ट कर दिया है और ये मेरा टॉकिंग ब्रिंजल इज रेडी। सी माय टॉकिंग ब्रिंजल इज रेडी टू टॉक। हेलो, यू वांट मी टू ईट? प्लीज ईट मी, आई एम वेरी हेल्दी। एंड वी विल डू द सेम विद ग्रीन चिली। हम ग्रीन चिली हमारी थोड़ी सी हमारी थिन बनी है, तो इसके लिए वी नीड अ थिन कार्डबोर्ड। ग्रीन चिली के साइज के अकॉर्डिंग हम अपने कार्डबोर्ड को भी थोड़ा पतला कर देंगे। एंड वी विल डू सेम एज वी डिड विद ब्रिंजल। हम इसके ऊपर भी एक वाइट ए फोर शीट लगा देंगे, पेस्ट वाइट ए फोर शीट। वाइट ए फोर शीट इस पे लगा दी है और मैं आपको फिर से दोबारा बता देती हूँ हमें कैसे उसकी टंग रेडी करनी है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मैंने वाइट ए फोर शीट इस पे लगा दिया है, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, जस्ट वी नीड टू मेक इट नीट एंड क्लीन। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है लाइक दिस। नाउ वी नीड टू फोल्ड दिस पोर्शन backward and this portion backward like this, and now again we need to draw a tongue। हम इसकी भी tongue draw कर लेंगे। in a U shape हमने इसकी टंग को यू शेप दिया है। फिल द टंग विद रेड कलर। ओके, लाइक दिस। इसके सेंटर में भी मैं एक ब्लैक कलर से मार्क दे रही हूँ। सेम पेस्टिंग लाइक वी डिड इन द ब्रिंजल, ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। वेरी नाइस ब्रिंजल ब्रिंजल, थैंक यू दीदी। ये हमने इसके ब्रिंजल का फेस पेस्ट कर लिया है। सेम हम नीचे के पोर्शन पे इसके लिप्स की पोजीशन लेंगे लाइक दिस, और नीचे के पोर्शन पे हम बाकी का बचा हुआ हमारा जो पोर्शन है उसको पेस्ट कर देंगे लिप्स की प्रॉपर शेप लेते हुए। ओके, now my green chili is also ready, my brinjal is also ready, eat healthy, stay fit, stay home, brinjal, my green chilies, I hope आप सबका भी ये ready होने वाला होगा या हो गया होगा। प्लीज़ बहुत से लोग पिक्चर्स नहीं शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर योर पिक्चर्स। मैं भी देखना चाहती हूँ कि किड्स क्या बना रहे हैं। प्लीज़ 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 पोस्ट योर पिक्चर्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो विद सम न्यू क्राफ्ट। इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़ रिगार्डिंग क्राफ्ट डू शेयर इट विद मी।
डू शेयर इन द कॉमेंट सेक्शन, डू मैसेज मी, डू कॉमेंट मी. आई विल ट्राई टू मेक दैट आइडियाज. आपके घर कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल पड़ा हो जिससे आप कुछ क्राफ्ट करना चाहते हैं तो मुझे उस वेस्ट मटेरियल के बारे में बताइए, मैं उससे क्राफ्ट रेडी करने की कोशिश करूँगी. फाइन, थैंक यू, विल वेट फॉर योर मैसेजेस एंड सी यू टुमारो विद सम इंटरेस्टिंग क्राफ्ट. थैंक यू मनिका दीदी. चलो, इट्स टाइम टू से बाय बाय. बाय, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस. ऑब्वियसली सबका प्लेस सेम है, सब अपने घर. ओके, बाय बाय.